बाद तीनों दिन हम लोग फील्डिंग पे थे तो बहुत ही चैलेंजिंग था। और टेस्ट मैच ये है कि चैलेंज करना पड़ता है कि आपको लॉन्ग स्पिन डालना पड़ेगा और कंसिस्टेंट आपको प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, तो ये है कि टेस्ट के यही तो है। तो बहुत ही अच्छा मज़ा आया और यहाँ पर जो हम लोग ने मैच निकाला बहुत ही सब एक ये भी एक मेमोरी वाला मैच था, तो बहुत ही अच्छा था। आई थिंक इट वॉज रियली क्लियर इन टू द ड्रेसिंग रूम दैट वी आर गोइंग टू सेट अ टारगेट एंड वी आर गोइंग टू प्ले लाइक दैट एंड आई थिंक आवर इंटेंट वॉज अनबिलीवेबल द वे रोहित भाई प्लेड एंड आई गॉट ऑल्सो द सेम कॉन्फिडेंस दैट आई कैन गो फ्रॉम फर्स्ट ओवर एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग एंड आई वॉज प्लेइंग माई शॉट वेयर आई कैन स्कोर रन एंड आई डिड एंड आई रियली एंजॉय इट। It's just incredible. He's one of the best. Seeing him, how he works and how he talks into the dressing room, into the huddle, then the approach he has on the ground, the way he has been putting efforts, I think it's just incredible and it motivates me a lot also to seeing him like in a such a big level and doing things incredibly, like the way he took a catch and he's always driving around and it's just wonderful. I'm so lucky to be here and getting all this experience. That was purely the timing had to be good, because otherwise, you know, if you don't time the jump well, it is very easy to miss on. I would say I was lucky enough to hold on to it. I put the jump at the right time and put my hand at the right place at the right time. I would like to say that. मैं काफ़ी टाइम से अपनी फील्डिंग के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और जड्डों वैसे भी यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बॉल आने से पहले पूछ जाता था कि ऐसा नहीं, तो फिर मैं धीरे धीरे अपनी फील्डिंग के बारे में मैं समझते गया कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, तो मैं अपने आप को एक अच्छा फील्डर समझता हूँ। और ये कैच की बात रही तो मेरे लिए बेस्ट कैच है, एक वर्ल्ड कप की कैच और ये एक कैच। और चेन्नई में भी मैं एक ट्राई किया था वो लेफ्ट हैंड में, बट वो आई नहीं, बट ये बहुत ही मेमोरी कैच था, बहुत ही मज़ा आया। वहाँ से गेम चेंज हो गया कि बैक टू बैक विकेट आने लगे, तो